गांधी की नाभि में 2.7 करोड़ का हीरा जड़ा है। जी हाँ, ये खबर हमारे लिए भी हैरान करने वाला है। जाहिर है आप भी इस खबर को सुनने के बाद सन्न हो गए होंगे। इन दिनों प्रियंका गांधी की वायनाड उपचुनाव में जीत के बाद से सियासी गलियारों में इसकी खूब चर्चा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद में अपनी जगह बना चुकी है। जी हाँ, ये पहली बार है जब गांधी परिवार के 3 सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी संसद में है। लेकिन इन सब सियासी खबरों के बीच प्रियंका की नाभि में छिपे हीरे ने सबसे ज्यादा लाइमलाइट खींची। आइए बताएंगे कि आखिर प्रियंका गांधी ने हीरा नाभि में कब, कैसे और कहां चढ़वा लिया, जिसकी खोज खबर ना सोनिया गांधी को मिली न राहुल गांधी को। फिर अब सवाल तो ये भी है कि आखिर इसकी नौबत आई कैसे। लेकिन खबर की शुरुआत करें उससे पहले, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। प्रियंका गांधी वाड्रा 2024 के चुनाव के बाद से खूब सक्रिय है। अब तो वायनाड से उपचुनाव जीतने के बाद से लोकसभा में उनकी भी आवाज सुनाई देगी। लेकिन कांग्रेस की ये नेता संसद जाए उससे पहले ही इस खबर ने हंगामा मचा दिया। उनकी नाभि में 2.7 करोड़ का हीरा चढ़ा। जी हाँ, दरअसल ये हम नहीं बल्कि एक पत्रकार ने खुलासा किया। इनका नाम है अनिल यादव। दरअसल इनकी पहचान ही मोदी विरोधी के रूप में होती है। ऐसा हम नहीं बल्कि ट्विटर पर इनके ही कंपटीटर कहते हैं। कांग्रेस का ये खूब गुणगान करते हैं, चरण वंदना ही समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी से भी इन्हें खासा परेशानी है और शायद इसलिए भी ये अपनी लाइनों में गांधी परिवार का नाम ले जाते हैं। जी हां, कथित पत्रकार अनिल यादव का कहना है कि प्रियंका गांधी की नाभि में हीरे हैं, इसकी कीमत 2 करोड़ से भी ज्यादा है। यकीन नहीं है तो आप इस ट्वीट को देख लीजिए। अनिल नाम का एक्स हैंडल है, इसमें लिखा गया है कि प्रियंका गांधी की नाभि में ये जो हीरा है उसकी कीमत 2.7 करोड़ रुपए। बाकी देश तो 5 किलो राशन की लाइन में लगा ही हुआ है। जी हाँ, और इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी डाला गया। जैकी यादव ने जो सोशल मीडिया पर खूब सक्रिय है, खूब मुद्दों को भुनाते हैं और लोग भी इस पर कमेंट करने से बाज नहीं आते। जैकी यादव ने इस पोस्ट पर लिखा, ओ भाई देखो पत्रकारिता तो देखो और ये भी देखो प्रियंका गांधी या प्रियंका चोपड़ा, नाभि पत्रकार आज से मैं अगर नाभि पत्रकार कहूं तो तुम .. वो समझ लो। जी हाँ, अब ये मामला यही नहीं थमता। आपको याद दिला दे, ये वही अनिल यादव है जो दूसरे पत्रकार का नाली का नोलन कहते हैं, अपशब्द भी कहे, जो शायद आम तौर पर पत्रकारों की भाषा से परे। बहरहाल, हमने अनिल यादव का सोशल मीडिया चेक किया, वहां उन्होंने नाभि में करोड़ों के हीरो की बात कही है, लेकिन वहां प्रियंका गांधी की जगह प्रियंका चोपड़ा लिखा। अब ये बात एडिट किया गया, ये तो सवाल। बहरहाल, अनिल यादव के इस ट्वीट पर लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए हैं। एक यूजर ने लिखा कि ये कितना लिचर आदमी है, कभी किसी की नाभि देखता, कभी किसी की बेटी की विदेश घूमने की तस्वीर डालता है और बोलता खुद को पत्रकार है, कितना गिरोगे रीच के लिए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, जादव जी ये काम कब से करने लगे, सपा की चाटुकारिता करते करते महिलाओं की नाभि पर आ गए, कलम के साथ साथ अपनी नजर भी गंदी कर ली। वहीं एक यूजर ने सवाल खड़े किए और लिखा कि महिलाओं की नाभि में झांकने से गरीबी नहीं मिटेगी, उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा अखिलेश और तेजस्वी से कि इतनी संपत्ति की भैंस के दूध को बेच के आए हैं, आप तो निडर पत्रकार हैं, उम्मीद है पूछेंगे। बहरहाल, आप इस खबर पे क्या कुछ कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।